सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो द हुजा प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसमें काफी कुछ बना चुके हैं, ठीक है। काफी कुछ में कुछ चीजें रहती हैं, जैसे पिकअप सर्विस रहता है, सर्च रूम रहता है और डिपार्टमेंट रहता है। बस ये तीन ऑप्शन रहते हैं। इसमें हम देखेंगे सर्च रूम, तो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है। तो सर्च रूम के नाम से मैंने यहाँ पर क्लास बनाई। अगर आप फ्रेम देख रहे हो तो वहाँ पे फ्रेम में मेरे पास काफी सारे लेबल्स हैं, ठीक है। मेरे पास वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं और फिर मेरे पास वहाँ पे एक चॉइस है, ठीक है। और चॉइस के साथ मेरे पास वहाँ पे एक टेबल भी है, ठीक है। और टेबल के साथ मेरे पास वहाँ पे अब एक यहाँ पे एक नई चीज़ है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स जावा एक्स डॉट स्विंग और डॉट डॉट स्टार, ठीक है। चेक बॉक्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। चेक बॉक्स होता क्या है सब सबको पता होगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जो जो चाहिए सबसे पहले मैं वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप अगर देख रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स हैं, ठीक है। लेबल्स के साथ मेरे पास यहाँ पे एक चॉइस है। चॉइस को मैंने डाला यहाँ पे C1 में, ठीक है। इसको चॉइस लें या फिर इसको वो लेते हैं, कॉम्बो बॉक्स लेते हैं। काफी वीडियो से कॉम्बो बॉक्स नहीं बनाए तो कॉम्बो बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे इसको B1, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर मेरे पास यहाँ पर एक चेक बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो चेक बॉक्स की को मैंने यहाँ पे C1 लिया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो जे बटन B1 लिया मैंने यहाँ पे एंड B2, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक जे टेबल भी चाहिए। जे बटन, ये जे बटन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, वेरिएबल B1 इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो इसको लेते हैं यहाँ पे। कॉम्बो बॉक्स को C1 लेते हैं, इसको C2 लेते हैं, ठीक है, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिया जे जे टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। जे टेबल लिया और यहाँ पे लिया हमने T1, या ठीक है। और फिर यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल ही बनाई और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं टेबल को फिर, ठीक है। और यहाँ पे लगाया जे, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने सेट लेआउट और इसको किया ना फिर नल, ठीक है। फिर इसको किया मैंने यहाँ पे सेट बाउंस। सेट बाउंस में इसको देंगे सपोज 500 से, तो हम सारे दे ही रहे हैं 500 200, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया इसको सपोज 700 एंड 500, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर मैंने यहाँ पे दिया सेट विजिबल, इसको किया मैंने यहाँ पे ट्रू, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बिन बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, ठीक है। और यहाँ पे आया स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। और यहाँ पे बनाया मैंने न्यू सर्च रूम डॉट सेट विजिबल एंड ट्रू, या ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक लेबल बनाना है, इसको टेबल को इधर देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेबल बनाया एक L1 के नाम से, ठीक है। एक सेकेंड, L1 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और ये होगा मेरे पास यहाँ पे सर्च फॉर रूम के नाम से। अरे क्या हो रहा है, सर्च फॉर रूम के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक लेबल है। एक सेकेंड, इसको जरा इसमें एनक्लोज मार दें। या ठीक है। फिर L1 डॉट सेट फॉन्ट किया यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू फॉन्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेट फॉन्ट करेंगे इसको, तहोमा देते हैं, ठीक है, तहोमा। एंड यहाँ पे मैंने दिया इसको फॉन्ट डॉट प्लेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको देंगे सपोज 20, या यहाँ पे L1 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, L1 डॉट सेट बाउंस किया। और इसको रखते हैं, फ्रेम कितना बड़ा है ना, फ्रेम अपना 700 का है, इसको 300 से स्टार्ट करते हैं, बाद में देख लेंगे कितना होगा। अभी फिलहाल इतना इतना ही रखते हैं। इसको 200 दिया और यहाँ मैंने दिया इसको 30, ठीक है। और एड कर देंगे L1 को, ठीक है, चला के देखते हैं। यार ये तो काफ़ी छोटा है, 700 से तो काफ़ी छोटा है, इसको 1000 करते हैं। फ्रेम काफ़ी छोटा रह गया, या अब ठीक है, फ्रेम काफ़ी ठीक है, हाँ फ्रेम अब ठीक है। यहाँ पे अब 300 के हिसाब से ये काफ़ी कम है, इसको देते हैं 450, ठीक है। जो इसको मैंने यहाँ पे 450 दिया, इसको नहीं 400 देते हैं, अब इसको बाद में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट लेवल बनाते हैं अपना। जो नेक्स्ट लेवल है वो है मेरा बेड टाइप के नाम से। मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल दिया L2 के नाम से, जो कि है मेरा रूम बेड टाइप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा रूम बेड एंड टाइप, ठीक है। ये जो है मेरा L2 के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे मेरे फॉन्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने L2 दिया, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा सपोज 50 से, ठीक है, 50 से इसको स्टार्ट करते हैं। अब 30 30 60 तक तो ये आ रहा है, तो इसको 100 देते हैं। ये सपोज 100 तक जाएगा एंड इसकी सपोज ये 20 है, ठीक है। L2, या देखते हैं, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक
कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू न्यू जे एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग पास करी मैंने, न्यू स्ट्रिंग एरे, ठीक है, जिसमें मेरे को वो देना है कि मेरा जो है सिंगल बेड है या फिर डबल डबल बेड है। तो DOUBLE डबल बेड, इसको क्लोज किया यहाँ से और इसको बंद किया, ठीक है, या बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे इसको करा मैंने C1 डॉट सेट बाउंस किया इसको, ठीक है, सेट बाउंस किया इसको, तो 150 तक तो यही जाएगा। इसको रखते हैं 200 से, 200 शायद ज़्यादा ना हो जाए, चलो देखेंगे, कोई बात नहीं बाद में, ठीक है। इसको 100 किया एंड ये 150 एंड 25, हाँ एक सेकेंड 25, या फिर इसको करेंगे ऐड C1, ऐड किया यहाँ पे C1, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आई होप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो या चलाते हैं, मेरे को लग ही रहा था ये थोड़ा स्पेस बीच में ज़्यादा आएगा, ठीक है। 200 नहीं देते इसको, 150 देते हैं, अब शायद जितना क्या, या बिल्कुल इतना स्पेस, ठीक है, इसको वो देते हैं, नहीं तो बाद में भी देना ही पड़ेगा। सेट बैकग्राउंड इसको यहीं दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिखाया इसको कलर डॉट वाइट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को इसी के आगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स चाहिए, ठीक है। अभी C1 कलर जो है वो AWD पैकेज के अंदर है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। अभी देखते हैं इसको, C1 इज इक्वल्स टू न्यू जे और यहाँ पे आ गया मेरे पास चेकबॉक्स, ठीक है। अब चेकबॉक्स का नाम क्या है यहाँ पे, ओनली डिस्प्ले अवेलेबल, ठीक है, ABAILABLE, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे C2 डॉट सेट बाउंस करेंगे, ठीक है, ये इसी रो में बिल्कुल आगे है, ठीक है। तो 150 300 400 500 से देते हैं, 500 या फिर 600 से देते हैं, ठीक है, आई नो क्लू अभी कहाँ पे आएगा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसको दिया मैंने 150 एंड 25, हाँ एक सेकेंड वहाँ से 1 हटाते हैं, या इसको किया मैंने एड 1 और एड किया मैंने यहाँ पे C2, ठीक है। AWD पैकेज को इम्पोर्ट कराते हैं, फिर चला के देखते हैं, java.awd.star, ठीक है, चलाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर बढ़ाना चाहें तो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी परफेक्ट है। इसको करते हैं 650 करते हैं, 50 से ज़्यादा आगे तो जाएगा नहीं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी को या आगे बढ़ा देते हैं ना, या चलो छोड़ो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे टेबल है, ठीक है, तो T1 डॉट सेट बाउंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे T1 डॉट सेट बाउंस मैंने किया। अब T1 डॉट सेट बाउंस में टेबल मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब ये कहाँ तक आया है, 100 तक तो यही आ चुका है, ठीक है, 100 तक यही आ चुका है। फिर इसके नीचे मेरे पास लेबल भी आएगा, तो इसको 300 से स्टार्ट करते हैं, नहीं 300 तो 2, इसको तो यहाँ से तो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये तो 0 से होगा, ठीक है, ऊपर से वाई एक्सिस से कितनी नीचे होगी वो देखना है, ठीक है, उसको 200 देते हैं, ठीक है, फिर बाद में चेक करेंगे, अभी 200 देते हैं, इसको को देते हैं 1000 एंड इसको यहाँ पे देते हैं 200 एंड 200, अभी के लिए आई हैव नो क्लू कहाँ पे आएगा ये, बस चेक कर लेते हैं, ठीक है, या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, काफ़ी ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे को यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इसको 800 करते हैं, 800 शायद ज़्यादा, हाँ भावनाओं में बह गए, 650 करते हैं, हाँ 650, ठीक है, इसको बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको करते हैं 350, ठीक है, तो ये 550 तक जाएगा, नहीं इसको 300 रखते हैं, ठीक है, 300 तक देखते हैं, या बिल्कुल ठीक है, 300 से बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा इवेंट लगाते हैं, फिर अभी बटन लगाते हैं पहले, फिर इवेंट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बटन लगाना है, B1 इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है, ये बटन होगा सपोज सबमिट के नाम से, ठीक है, और B1 डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अपने पास कलर डॉट ब्लैक और B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, अरे फोकस नहीं भाई, सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पे आगे अपने पास कलर डॉट वाइट, ठीक है, और फिर B1 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, B1 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, और ये कितना जाएगा अपना 1000 तक तो यही जा रहा है, 1500 एंड 350 से स्टार्ट करते हैं इसको, 350 और कितनी नीचे जाएगा,
टेबल कहाँ तक है अपनी? टेबल अपनी 500 तक है, तो इसको 520 से रखते हैं, ठीक है, एंड 100 एंड 20 एंड 30, या ऐड करेंगे बी वन को। आई होप कैलकुलेशन अगर मेरी सही हुई तो बिल्कुल परफेक्ट पोजिशन पर आएगा ये, ठीक है। वैसे कभी अब तक मेरी हुई नहीं है कैलकुलेशन गलत, सही मतलब गलत को इसको 550 से रखते हैं या ठीक है, सबमिट की जगह इसको बैक करना है, अभी करता हूँ उसको। हाँ गलत हो गई फिर से इसको करते हैं 300, ठीक है, इसको करते हैं 500 और इसको यहाँ पे करते हैं BAC के, चला के देखते हैं हाँ ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर है लेकिन कोई चक्कर नहीं, चलता है वो, ठीक है। फिर सबसे पहले यहाँ पे एक्शन लिस्टर लगाता हूँ, हर क्लास में भूल रहा हूँ भाई एक्शन लिस्टर लगाना, वो जब क्लिक होता है बटन पे तब याद आता है मेरे कि भाई एक्शन लिस्टर लगाना है, ठीक है। b1.addActionListener और यहाँ पे आके b2.addActionListener, या ठीक है अभी एरर देगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट एक्शन लिस्टनर करना पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट किया मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर को, ठीक है। एक्शन लिस्टनर अभी एरर देगा क्योंकि ये होता है java.awt.event पैकेज के अंदर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराया। अब भी एरर देगा क्योंकि यहाँ पर एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक मेथड होता है, मेरे को उसको ओवरराइड कराना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाया एक्शन इवेंट क्लास का, ठीक है। अब इफ इफ में मैंने चेक किया, इफ ए डॉट गेट सोर्स, अरे रिकॉर्डिंग हो भी रही है, चेक कर ले तो हाँ हो रही है, 9 मिनट की हो चुकी है कभी भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, अरे भाई सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है ठीक है। या तो दोनों बटन में मैंने यहाँ पे डाल दिए, सबसे पहले यहाँ पे न्यू रिसेप्शन कॉल कर देते हैं सीधा, ये सबसे आसान है करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा सेट विजिबल एंड ट्रू, या और फिर दिस डॉट सेट विजिबल और यहाँ पे मैंने कर दिया फॉल्स, बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोई दिक्कत नहीं है। बी वन बटन जो है वो देखते हैं वहां पे क्या होगा। तो बी वन बटन में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को जो मैंने कॉम्बो बॉक्स बनाया है, सबसे पहले मेरे को वहां से डेटा को फेच करना है। सबसे पहले ट्राई और कैच लगाते हैं, नहीं तो बाद में लगाने पड़ते हैं यार, बाद में एरर आता है, ठीक है। या तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राई और कैच लगा दिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दो स्ट्रिंग चलानी है, ठीक है, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, मेरे को यहाँ पे डेटा निकालना है, ठीक है, रूम का डेटा निकालना है। अब रूम का डेटा यहाँ से मेरे को यहाँ पे दो दो क्वेरी चलानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो केस हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, एक सेकंड इसको कमेंट मारते हैं और इसको अब आपको चला के दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो केस हैं, ठीक है, तो दो केस हैं तो उसके लिए दो क्वेरी। पहला केस क्या है कि मेरे को यहाँ पे सिंगल बेड का डेटा चाहिए या फिर डबल बेड का डेटा चाहिए, ठीक है। पहला केस तो ये है कि मेरे को सिंगल बेड का डेटा चाहिए या डबल बेड का कोई डेटा चाहिए, तो पहली क्वेरी तो मेरी चलेगी इसके लिए, ठीक है। फिर अगर सपोज चेकबॉक्स भी यहाँ पे चेकड है, ठीक है, चेकबॉक्स यहाँ पे चेकड है, तो फिर मेरे को ये चेक करना है कि सिंगल बेड भी है और डिस्प्ले अवेलेबल भी है, फिर मेरे को सिर्फ वही डेटा चाहिए जो सिंगल बेड हो या डबल बेड हो, जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये डिस्प्ले अवेलेबल हो, तो फिर मेरे को वॉलेट डेटा चाहिए। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे दो क्वेरी चलानी पड़ेंगी, ठीक है, वो दोनों क्वेरी पहले लिख लेते हैं, तो इसको कंट्रोल जी मारा, ठीक है, या तो सेलेक्ट, एक सेकेंड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर, ठीक है, अब सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रूम जहाँ पर, अब मेरे को जो टाइप है वो या तो सिंगल बेड है या डबल डबल बेड है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, या टाइप या तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा वो चीज़ कि जो मेरा C1 से सेलेक्ट होके आएगा, तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं C1.getSelectedItem। एक अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस चीज़ को एक स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे इस बार सीधा लिखते, ठीक है। फिर अपना स्ट्रिंग str2 है, ठीक है, स्ट्रिंग str2, यहाँ पे भी मेरे को वही करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम ही करना है, लेकिन इस बार मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि वेयर AVAILABLE, वेयर अवेलेबल इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास क्या क्या चीज़ है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हाँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, कुछ अवेलेबल है कुछ ऑक्यूपाइड है, तो मेरे को यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट करने हैं कि कौन से अवेलेबल है कौन से ऑक्यूपाइड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा AVAILABLE, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये मेरे को वो बेड सेलेक्ट करने हैं जो अवेलेबल है, एंड
ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड लगाया, और जिनका टाइप होगा या तो सिंगल बेड होगा या फिर डबल बेड होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा शायद कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चल रहा है ना? नहीं, नहीं चल रहा। अभी एक सेकेंड दिखाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेरी बताता हूँ, मैंने यहाँ पे दो क्वेरी फिल की है। ठीक, सेकेंड अभी चला के दिखाता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस है मेरे पास, ठीक है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रूम वेयर टाइप इज इक्वल्स टू, जो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे को उस पर क्वेरी चलानी है। ठीक है, पहला केस तो मेरे पास ये है। अब दूसरा केस है, सपोज यहाँ पे डिस्प्ले अवेलेबल पे क्लिक किया हुआ है, तो मेरे को सिर्फ वही शो करने हैं जो कि अवेलेबल है। तो मेरे को सिर्फ वही रूम शो करने हैं जो कि अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है, अवेलेबल इज इक्वल्स टू अवेलेबल। अब यहाँ पे डिस्प्ले अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अवेलेबल इज इक्वल्स टू अवेलेबल, अवेलेबल मेरे यहाँ पे एक फील्ड है। ठीक है, ये रहा कॉलम। ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पे टाइप भी है, टाइप सिंगल बेड या फिर डबल बेड, इसलिए मैंने यहाँ पे दो दो क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। फिर यहाँ पे मैंने कौन लिखा, कौन सी इज इक्वल्स टू और न्यू कौन परफेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट सेट का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ पे की, और पहली जो क्वेरी है मेरी एसटीआर वाली, ठीक है, वो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया T1, क्योंकि मेरा टेबल में मेरे को इसको सेट भी करना है। टी वन डॉट सेट मॉडल मेरे पास यहाँ पे एक मेथड होता है, बिल्कुल परफेक्शन। अब यहाँ पे यूज करेंगे डीबी यूटिल्स क्लास का, तो डीबी एंड यूटिल्स डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, बिल्कुल यही वाला मेरे को फंक्शन यूज करना है यहाँ पे, रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया आर एस, परफेक्शन बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वो है, क्या क्या कहते हैं पैकेज, वो इसने अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक पैकेज इंपोर्ट करना लेकिन रहता है, जो कि सिक्वल पैकेज, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट सेट में एरर था, ये रहा, अब चला गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है। ठीक है, अगर मैं इतना अगर चला के दिखाऊँ आपको, तो इतने से डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिंगल बेड है, ठीक है, सिंगल बेड पे मैंने सबमिट किया, तो या डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप में मेरे पास, यहाँ पे बेड टाइप में मेरे पास यहाँ पे सारे सिंगल बेड है। अगर मैं यहाँ पे डबल बेड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास सारे डबल बेड है। ठीक है, तो डेटा तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओनली डिस्प्ले अवेलेबल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, लेकिन ये सबमिट करने पर फिर भी आ रहा है ये वाला। तो अब काम करना है इस पर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक वो लिखना पड़ेगा, इफ C2 डॉट इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करने के लिए कि चेकबॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं है, उसके लिए मेरे पास ये वाला मेथड होता है C2 डॉट इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं रिजल्ट सेट का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया RS2 के नाम से, इज इक्वल्स टू न्यू, नहीं इज इक्वल्स टू न्यू नहीं करते, सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी किया, जिसमें मैंने STR2 पास करा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे T1 डॉट सेट मॉडल, ठीक है, T1 डॉट सेट मॉडल यहाँ पे मैंने पास किया DB utils डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और इसके अंदर मैंने पास किया RS2, परफेक्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सिंगल बेड मैंने यहाँ पे सबमिट किया अभी बिना उस वो किए, तो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है। डबल बेड में मेरे पास यहाँ पे 102 ऑक्यूपाइड है, 122 ऑक्यूपाइड है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओनली डिस्प्ले अवेलेबल और अब सबमिट करता हूँ, तो कोई एक्सेप्शन है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन आई है, अभी देखते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इसको इफ और एल्स में डालते हैं। ठीक है, इसको इफ और एल्स में डालते हैं, मेरे को लगता है कि शायद यही दिक्कत है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को 2 मिनट देना बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट सेट RS, ठीक है, और यहाँ पे RS आया, दोनों में RS चलाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, और यहाँ पे RS2 से हटा के मैंने किया RS, मेरे को लगता है शायद यही दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किया डबल बेड, सबमिट किया, डेटा आ रहा है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ओनली डिस्प्ले अवेलेबल किया, नहीं एक्सेप्शन है। तो कंफर्म हो गया। अब कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। मेरे को लग रहा था शायद उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि वो दो दो बार चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब चलाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको किया डबल बेड, इसको किया सबमिट, ओनली डिस्प्ले अवेलेबल एंड सबमिट, हाँ एक्सेप्शन है, माई सिक्वल एरर एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन है, अरे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे 2 बार लगा हुआ यार। चलो
ठीक है, तो इसको सबमिट किया, ठीक है, डबल बेड में गए, इसको सबमिट किया, यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब मैं अगर डिस्प्ले अवेलेबल करता हूँ तो ये ऑक्यूपाइड वाला नहीं आना चाहिए, 122। तो या बिल्कुल परफेक्शन, हमारे पास सिर्फ वही है जो अवेलेबल है, तो इसको बैक करेंगे। अभी यहाँ पर डालना भी है इसको, ठीक है, सबसे पहले इसको डालें क्या? अभी इसमें काफी काम होना है, ठीक है, अभी मेरे को लेबल्स लगाने और इसमें काफी काम होना है, तो अभी तो भाई बहुत काम है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर इसको लगाते हैं, तो B11 बटन है आई थिंक, शायद सर्च रूम, या B11 बटन है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई सर्च रूम के नाम से, तो न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा SCARCH सर्च रूम डॉट, सेट विजिबल किया मैंने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, और फिर दिस डॉट सेट विजिबल, यहाँ पे मैंने लिखा इसको फॉल्स, परफेक्शन बिल्कुल, ठीक है। अब चलाते हैं, सर्च रूम पे क्लिक किया तो या ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसके कलर को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे गेट कंटेंट पेन, गेट गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे करते हैं कलर डॉट वाइट, एक सेकेंड, या कलर डॉट वाइट किया, चलाते हैं, थोड़ा सा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है इसका, इसके कलर को चेंज करते हैं, ओनली डिस्प्ले अवेलेबल को, ठीक है। तो इस C2 के कलर को चेंज करना है मेरे को, यहाँ पे C2 डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कलर डॉट वाइट, ठीक है। अब लेबल्स बना रहा था, बनाते हैं, मेरे को यहाँ पे टोटल कितने लेबल चाहिए अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे टोटल चाहिए, हाँ, 1 2 3 4 5 लेबल चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो ये पांचों लेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे है रूम नंबर है, ठीक है, रूम रूम नंबर है सबसे पहले, फिर अवेलेबिलिटी है, फिर क्लीनिंग स्टेटस है, फिर प्राइस है, और फिर उसका बेड टाइप है, ठीक है। तो ये कितने लेबल है, पाँच लेबल है, पाँचों लेबल्स बना लेते हैं, ठीक है। कोई लेबल बनाया हुआ मैंने, हाँ लेबल बनाया हुआ है, ठीक है। नीचे आके यहाँ यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, कहीं भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैटर करता है वो करता है कि सेट बाउंस के कहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। L3 बस 2 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। L5, अरे फटाफट आ यार कर्सर, L6 भाई ये वहां की जा रहा है कर्सर, L7 एंड L7, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब जो मेरी टेबल है वो कहाँ पे खत्म हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है मेरी 200 से, ठीक है, 200 एंड 160 पे चलेगा, 160 पे चलेगा क्या? अरे ये क्या हो गया, एक बार कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड रूम नंबर दे के देखता हूँ, सिर्फ मैं अभी चला के देख रहा हूँ कहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि आई हैव नो क्लू, ये तो यहीं पे आ गया ऊपर ही, हाँ ठीक है यहीं पर ही आएगा, या ये तो बिल्कुल ठीक आया, रूम नंबर बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। फिर रूम नंबर के बाद अपने पास क्या है, एक सेकंड मेरे को फिर से चेक करना पड़ेगा, रूम नंबर के बाद अपने पास है यहाँ पे अवेलेबिलिटी, फिर क्लीनिंग स्टेटस, प्राइस, ठीक है। यहाँ पर है अपने पास अवेलेबिलिटी, AVALABLARDY, ठीक है, अवेलेबिलिटी है, उसके बाद फिर अपने पास है यहाँ पे CLEANING, क्लीनिंग स्टेटस, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे प्राइस, फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे बेड टाइप, तो वो तो पहले से लिखा हुआ, बस रूम रूम हटा देते हैं, ठीक है। और ये है 150 x 150 तक है, तो इसको रखते हैं 150 से, ठीक है, चला के देखते हैं कहाँ आता है। अरे भाई उसको पहले, इन सबको पहले 160 करना है, ठीक है, ये भी 160, ये भी 160 एंड ये भी 160, ठीक है। तो अब चलाते हैं, हाँ अवेलेबिलिटी तो यहीं आ गए, ठीक है, इसको करते हैं 250, यार इसको तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इसको एडजस्ट करने में, 250 एंड 270 कितने का गैप है, ये तो भाई 220 का गैप है, अरे बाप रे, तो ये तो 490 एंड ये कितना हो जाएगा, 600 700 देते हैं इसको, और ये कितना आ जाएगा, ये आता है आ जाएगा 900, अरे बाप रे इतना बड़ा। अवेलेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, क्लीनिंग स्टेटस को कम करना है और बाकी सबको कम करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देते हैं 450, ठीक है, इसको देते हैं 670, ठीक है, इसको देते हैं 800 एंड कितना 70, चला के देखते हैं,
क्लीनिंग स्टेटस बिल्कुल सही है, प्राइस बिल्कुल सही है, बेटर बिल्कुल सही है। तो या परफेक्शन, तो यहाँ पर ये हमारी क्लास बन के तैयार है बिल्कुल। ठीक है, आप यहाँ पे रूम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिंगल बेड और डबल बेड के हिसाब से, कि मेरे पास सिर्फ सिंगल बेड 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 वाले रूम आने चाहिए या फिर मेरे पास सिर्फ डबल बेड वाले रूम आने चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ पर ही ऑक्यूपाइड है, तो आपके पास यहाँ पर एक और कंडीशन है कि सिर्फ डिस्प्ले अवेलेबल दिखाओ, कि जो रूम्स खाली है मेरे को सिर्फ वही देखने हैं। तो मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो ऑक्यूपाइड वाला चला गया। तो या ये हमारी यहाँ पर सर्च रूम क्लास थी। अब मेरे पास यहाँ पर पिकअप सर्विस वाली क्लास रहती है और डिपार्टमेंट वाली क्लास रहती है, वो देखते हैं।